इसी बात को हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल मुतदेवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिकुन नबुव्वत के अंदर ये चारों अकसाम बयान किए हैं, अहले बैत विलादत, अहले बैत नसब, अहले बैत सुकना और अहले बैत खिदमत। और इसी बात को हजरत अल्लामा कुराई आज उन्होंने बेदावी शरीफ का हाशिया लिखा है, उन्होंने अहले बैत सुकना के बजाय लफ्ज इस्तेमाल किया अहले बैत सवाब, यानी अज़वाज मुतहरात के लिए अल्लामा कुराई रहमतुल्लाह अलैह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अहले बैत सवाब। अल्लामा शाह अब्दुल मुतदेवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अहले बैत सुकना इस्तेमाल किया। अब इन चारों के मदारिज की बात बताऊं, जो अहले बैत खिदमत हैं मां सवाए इस नाम के उनको कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ नाम लिया गया, उन पर सिर्फ अहले बैत का नाम सादिक आता है, अहले बैत की कोई फजीलत उन्हें हासिल नहीं है। समझ गए जी? यानी मतलब है कि वो जो अहले बैत की खासियत है, इजहाब नजर है, तत्हीर है, ज़कात की हुर्मत है, इसमें वो शामिल नहीं है। उसके बाद दर्जा आता है अज़वाज मुतहरात का, अज़वाज मुतहरात पर भी ज़कात हलाल है, अज़वाज मुतहरात पर ज़कात हलाल है। वो ये शर्त उनको हासिल है कि वो अहले बैत सबाबे अहले बैत सुकना घर में, और वो जो कराबत का मामला होता है जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वालमु अन्नमा गनीमतुम फलिल्लाह वलिरसूलिही वलिज़िल क़ुरबा, उसके अंदर वो शामिल है। वो जो आता है वो अज़वाजे मुतहरात पर भी खर्च होता है और भी खर्च होता है। उसके बाद आते हैं अहले बैत नसब, अहले बैत नसब पर ज़कात हराम है, आप सादात को भी ज़कात नहीं दे सकते, बनू बनू हाशिम को भी आप ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए कि उनका खून और सरकार का खून मुश्तरक है। अज़वाज मुतहरात का खून और सरकार का खून मुश्तरक नहीं है। बनू हाशिम वो है कि जिनका खून हुज़ूर का खून मुश्तरक है, वो कैसे? इसलिए कि सारे किसकी औलाद है? हाशिम की। हुज़ूर भी हाशिम की औलाद है और जितने आगे हाशमी है वो सारे हाशमी की औलाद है, एक बाप की औलाद है, तो वहां से वो हुजूर के खून के शरीक हैं। जो हुजूर की रगों में खून गर्दश कर रहा है वही उनकी रगों में खून गर्दश कर रहा है उनके अलावा उनका का। उसके बाद मकाम आता है अहले बैत विलादत का, इन पर अहले बैत के जितने फजाइल जितने हैं सारे के सारे इनको हासिल है। असल कंफ्यूजन ये होती है, मैं आपको बताऊं, जब कभी ये बात की जाती ना कि आयत तकदीर से कौन से अहले बैत मुराद हैं, तो उससे आयत तकदीर में लफ्ज़ अहले बैत की नफी जो है वो अहले बैत की नफी को लाज़िम नहीं। अब इसके बारे में इमाम बावर्दी बहुत बड़े आलम सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलम हैं, बहुत बड़े फाज़िल हैं, और पहले वो बंदे हैं कि जिन्होंने अहकाम सुल्तानिया लिखी इमाम बावर्दी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद। आपकी किताब है अहकाम सुल्तानिया, उसके अंदर ये बताया कि जो मुसलमानों का सरबराह बने उसके शराइत क्या है, कौन कौन सी शर्तें पाई जाए तो वो मुसलमानों का सरबराह खलीफा हो सकता है, और कौन सी शरायत अगर मफकूद हो तो मुसलमानों का उपमान नहीं हो सकता। उसके अंदर ये भी शरायत बयान की है कि
कि बादशाह को मुकर्रर करने के लिए जो वोट देने वाले उनके शराब क्या है। हर बंदा वोट नहीं दे सकता, हर बंदा मजलिस शूरा का मेंबर नहीं हो सकता। कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वशाविरहुम फिल अमर, हुजूर को अल्लाह हुक्म देता है कि आप सहाबा से मशवरा कर लिया करें। फाइजा आजम था, जब तो पुख्ता इरादा कर लें आपको ये काम करना, फतवक्कल अल्लाह, फिर मशवरे की जरूरत नहीं, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। और कलाम पाक भी फरमाता है कि मुसलमानों का तरीका क्या है, वह अमरु शूरा बैनहुम, उनके मामला बामी मशवरे से चलते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुजूर सारे सहाबा से मशवरा लेते हैं या मुख्तलिफ लोग थे?